कोशिश थी कि कुछ नया करने का मूड था, और क्योंकि आज जो चल रहा है भीड़ चाल ही चल रहा है, तो मैं कुछ पुराना लेकर आने का मूड में था। ओहो, वो रोमांटिक गाने जो हम लोग भूल चुके हैं, वाओ, वैसा कुछ करने के मूड में था, इसीलिए एक रोमांटिक और एक भूल। एक फिल्म बनाना एक बहुत बड़ा टास्क है, ये मतलब जो ये सफ़र है जब हमने तय किया जी, बहुत मुश्किल था हमारे लिए। अच्छा, एक एक कास्टिंग करना, यस, हर एक को चीज़, हर चीज़ को एक बारीकी से देखना बहुत बड़ी बात है, स्क्रिप्ट को लेके, गानों को लेके, सब चीज़ों को लेके एक बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए, पर जैसे मुझे पूरा भरोसा है इन पे, ये जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, और बस मैं यही कहूँगी कि इनको अपनी लाइफ में सक्सेस मिले फिल्मों को लेके, बाकी चीज़ों को लेके। थैंक यू। सबसे आगे जी, आगे हैं लेट, रितेश प्लीज कम द स्टेज। थ्री टू वन, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख सकते हैं लॉन्चिंग ऑफ द टू फिल्म्स माही, और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं सेकेंड फिल्म सीजर। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार तालियां, कम ऑन, थैंक यू वेरी मच। थ्री टू वन, लाइट्स कैमरा एंड एक्शन। Whoa, let's start. Thank you very much. Chaliye. Firstly, I would like to thank you for being a part of this event. I would like to thank our guest, the Consular General of Hungary, and the Deputy Head of Mission for being a part of this event. I would like to thank the media who always be a part of every function and event. And thank you, all the guests who are gathered here in this event. Thank you very much, ladies and gentlemen. It's an honor and a pleasure to be here today. Another occasion when Hungary is being put on the map here in India. Film shooting is an area where Indians do have a history in Hungary. I mean, quite a number of films have been already shot by Bollywood producers in Hungary. Much more by Hollywood producers, so Bollywood is still to discover Hungary as a film shooting destination, and the two films which are now being released are probably making a big contribution to Bollywood and Indian film producers discovering Hungary in a bigger way. So Hungary offers one of the most generous rebates in the entire world, I mean, for making films. Actually, the standard rebate is 30%, 30% of all your costs spent in Hungary, below the line and above the line. Very tough, आपने बहुत tough पूछा यार, casting का एक, मैं कम से कम 6 महीने से लगा हूँ casting के लिए, दोनों film के लिए, तो बहुत tough और बहुत सारे actors से एक हो गया है। 90% मैं 28 को शूट कर रहा हूँ बॉम्बे में, यहाँ पे मेरा आज मकसद यही था कि मैं कास्ट लॉन्च नहीं करना चाहता था बिल्कुल भी आज, मैं क्योंकि कुछ सारा कुछ आज ही कर दूंगा तो फिर 28 को क्या करूँगा, जाने से पहले क्या करूँगा मैं। नवंबर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर यहाँ पे शूटिंग इन द एंग्री, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर दोनों फिल्में, और 28 दिस मंथ 28 आई विल शूट इन वन एंड टू सॉन्ग इन हियर, दो गाने मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 28 को ही कास्टिंग लॉन्च करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। क्या बात है सर, क्या सरप्राइज पैकेज। थैंक यू, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, गुड टू सी यू। टेल अस हाउ यू केम ऑन बोर्ड एंड व्हाट दैट वन थिंग व्हिच यू नो व्हिच फोर्स यू टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। वेल, समबडी टोल्ड यू आई एम पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट? यस, आई हर्ड सो। वेल, आई एम यू नो, आई एम हियर एज अ पार्ट. And as he said that, you know, everything has to be disclosed only on one particular day, which is very 28th, which is very important for, you know, him also and for all of us. देखिए, title रख लेना बहुत आसान है ना, और जैसे एक horror film है और एक माही से आप तो जान ही लोगे कि romantic title है एक, इसके लिए जो star casting है वो choose करनी मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और जहाँ तक ख्याल है विक्रम बाजी की सोच का,
तो उनकी सोच में यह है कि चाहे आर्टिस्ट नया हो या पुराना हो या उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, लेकिन आर्टिस्ट होना चाहिए। इनकी नज़र है परख करने वाली, तो ये बहुत सारा धमाका होने वाला है। दोनों फिल्मों में आप बहुत सारे नए चेहरे भी देखोगे और काफ़ी कुछ नई चीज़ें आपको रिवील होंगी। जैसे बताया कि 28 को सारा कुछ आपको हो जाएगा रिवील। दिसंबर के एंड तक एक फिल्म हमारी कंप्लीट होगी और जनवरी में मिडिल जनवरी फॉर सेकंड मूवी अब हम 100% कंप्लीटेड। मैं क्योंकि मेरा 40 आई एम शूटिंग इन द 40-45 डेज इन द हंगरी एंड बिफोर आई एम नेक्स्ट ईयर फॉर द फैब आई विल शूट इन द पंजाब। बाकी पंजाब में शूट कर रहा हूँ मैं सारा। देखिए क्या है, जैसे मैंने पहले भी कहा, किसी ने पूछा था कि कंटेंट जो होता है वो आज के टाइम में सबसे बड़ा राजा है, किंग है। तो इनके पास बहुत अच्छा कंटेंट है और विजन है, और लकीली और ऐसा कहें कि हंगरी में शूट करने का मौका भी मिल रहा है और सब कुछ सॉर्टेड है, परमिशंस भी हैं और ईजी कर दिया इन्होंने इनके लिए। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि यू नो उस विजन को सबके सामने लेकर आएँ, पर्दे पर लेकर आएँ, और फिर यू नो ऑफकोर्स फिर लोगों को पसंद आती नहीं आती वो तो बात की बात है, बट एक्चुअली में एक अच्छी चीज़ सबके सामने लाने की कोशिश है जो बहुत अच्छी बात है। संधू साहब अच्छे आदमी हैं, मैं रिसेंटली उनसे मिला हूँ और मुलाकात पे प्यार हो गया। उन जैसे इंसान वैसे हैं वो, बहुत स्वीट। और मैं यहाँ पर आया हूँ उनको बेस्ट विशेज़ देने के लिए फॉर बोथ द फिल्म्स। ही वॉन्ट्स मी टू बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द फिल्म्स, बट अभी तक थोड़ी सी डेट्स की इशू चल रही है, बट एनी वे वील ट्राई एंड फिगर इट आउट। आई रियली वॉन्ट टू वर्क विद हिम, इज अ ग्रेट गाय एंड अ ग्रेट ह्यूमन बींग एंड दैट्स वॉट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो अच्छी फिल्में बना रहे हैं, सो वी आर हियर टू मेक फिल्म्स एंड एंटरटेन पीपल एंड दैट्स वॉट आई एम हियर फॉर। यू नो आई जस्ट विश हिम बेस्ट ऑफ लक एंड विश द एंटायर टीम एंड यू नो आई विश संधू साहब, आई नो द फिल्म विल रॉक, बेस्ट ऑफ लक, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं दिव्या फिल्म्स को बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा उनकी जो दो फिल्में आ रही है सीज़र और माही के लिए, और विक्रम संधू को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ एंड लॉट्स ऑफ लक एंड विश देम ऑल द बेस्ट। बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, यहाँ तो एक फिल्म बनानी इतनी मुश्किल होती है, तो आज की डेट में ही दो फिल्में अनाउंस हो गई, दो फिल्मों के पोस्टर अनाउंस हो गए और 28 से शूट स्टार्ट है और हंगरी में, पंजाब में और यहाँ बॉम्बे में इसका शूट होगा, और बहुत जल्दी आप बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट की जो फिल्में हैं वो आपके सामने होंगी। सो मेरी तरफ से सारी टीम को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। देखो एक मेरी रोमांटिक है, फुल रोमांटिक है, और दूसरी मेरी भूत है, इज ए प्योर हॉरर, और हॉरर भी ऐसे कि मैं इंडियन बेस पे कर रहा हूँ, हॉरर भी मेरे हॉलीवुड और उसको मिक्सअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। डर खौफ वो हॉरर है, बहुत हार्ड वर्किंग किया है, अकेले हमने नहीं पूरी टीम ने किया है, ठीक है। और बाकी एक रोमांटिक फिल्म है माही और एक हॉरर फिल्म है सीज़र। और सामने यार पूछो सारे कास्टिंग, कुछ कास्टिंग सामने खड़ी है तुम्हारे, कुछ कास्टिंग पूछ रहे हो? देखो भाई ये मेरे भाई जैसे हैं विक्रम जी, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं, तो उनके साथ जुड़ना एक यानी भाई की तरह पहले हूँ। बाकी फिल्म पर उन्होंने स्क्रिप्ट पर बहुत मेहनत की है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत की है, माही पर भी सीज़र पर भी, और मैंने खुद होते हुए देखा।